तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ला जलालहु के लिए, दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुश्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा आला तहियत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, इंसान कभी कभी इस तरह करता है कि वो अपने लबो लहजे से, गुफ्तगू से, मेल मिलाप से लोगों को मुतमईन तो कर लेता है, लेकिन उसकी कल्बी वारदात क्या है, उसके अंदर तकवा कितना है, नेकी कितनी है, परहेजगारी कितनी है, इससे वो आगाह होता है। वो बहुत सारी चीज़ों को लोगों से छुपा तो लेता है लेकिन अपने आप से नहीं छुपा पाता, अपने रब करीम से नहीं छुपा पाता। फिर ये होता है कि वो झूठी तसल्लियों से और अपने नफ्स की झूठी दलीलों से अपने आप को राज़ी करते करते उस मकाम पे पहुंच जाता है कि वो टूट के बिखरने के करीब आ जाता है। इस्लाम ईमान की, अकीदे की, रूहानियत की बात करता है और ये सारी चीज़ें इंसान के दिल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी वजह से अपना दीन ज़ाहिर नहीं कर सके, बता नहीं सके, लेकिन उनके अंदर ईमान था तो रब करीम क़यामत के दिन उन्हें ईमानदारों के साथ ही खड़ा करेगा, हालांकि वो बता नहीं सके, सिखा नहीं सके, अल्लाह ताला उन्हें ईमानदारों के साथ ही खड़ा फरमाएगा। तो याद रखने की बात यह है, समझने की बात यह है कि अपनी कल्बी वारदात पर, अपने दिल पर, अपने बातिन की कैफियत पर नज़र रखी जाए और जितनी कमज़ोरियां और कोताहियां हैं उनसे अपने आप को बचाया जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नुकसान का बाइस हैं, हम कह के अपने आप को मुतमईन तो कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल को, रूह को नुकसान दे रही हैं, उनसे बचा जाए। कुरान हकीम फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया सूरह मुल्क के अंदर, फरमाया वा असिर्रु कौलकुम, तुम कोई बात छुपा के करो, अविजहारू भी ही, या ऐलानिया करो। अगर समझने के लिए इंसान को कोई चीज़ दरकार हो ना तो मेरा ख़्याल है कि ये आया करीमा काफ़ी हो जाए उसके लिए। फरमाया व असिर रुकौलकुम, तुम कोई बात बड़ी छुपा के करो, अविज हारू भी ही, या ऐलानिया करो, ये समझ लो, इस पर गौर कर लो कि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, रब तो दिलों के हाल जानने वाला है। तुम ऐलानिया करो या छुपा के करो, वो तो जानता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो दिलों के हाल जानने वाला है। तुम बेशक ऊंचा करो, बेशक आहिस्ता बोलो, आयत नाजिल कब हुई, शान नज़ूल भी बड़ा अनोखा है। मुशरिकीन मक्का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़ल्लाह बातें करते थे तो हुजूर अल्लाह के दिए हुए इल्म से उन्हें जान लिया करते थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे तो बातें करते करते ना मुशरिकीन मक्का ने अजीब बात कर दी, नादान थे ना, जानते नहीं थे, अजीब बात कर दी, कहने लगे आहिस्ता बोलो कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सुन ना ले, आहिस्ता बोलो, ऊंची बात ना करो, कहीं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का खुदा सुन ना ले। तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया नादानो व असिर्रु कौलकुम, अभी जहारू भी, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो। और शारहीन ने, मुफसरीन ने लिखा ना भी बोलो, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो, या बेशक तुम कोई बात जुबान से अदा ना भी करो, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, रब तो तुम्हारे दिलों के हाल जानने वाला है, उसे तो पता है तुमने सीने में क्या छुपाया है, हसद छुपाया है कि रश्क छुपाया है, अदावत छुपाई है कि मोहब्बत छुपाई है, उसे तो पता है, उसे खबर है, इसलिए कि वो नजर ही तुम्हारे दिल पर रखता है, उसे पता है तुम्हारे अंदर क्या है। हम लोगों ने ना अपनी सारे मामलात दुनियादारों से, लोगों से, यारों से, दोस्तों से वाबस्ता कर लिए। हमें तारीफ भी बंदों से चाहिए,
हमें अच्छे होने का जो डिग्री है वो भी बंदों से चाहिए। हम बंदे बड़े नेक हैं, ये भी लोग कहें तो फिर हम मुतमईन हैं। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये सनद भी बंदों से चाहिए। हर बात पर एतमाद खल्क, हर वक्त लोगों पर ही ध्यान, लोगों पर ही तवज्जो, लोगों के मामलात ही डिस्कस करना। भाई ये तो तेरे जिम्मे ही नहीं, तुझे तो कहा गया है कि मैं ये तवक्कल अल्लाह, तो अपने रब की ज़ात पर भरोसा कर, फहुवा हस्बू, वो तेरे लिए दुनिया में भी काफ़ी हो जाएगा, आखरत में भी काफ़ी हो जाएगा, वो तेरे लिए काफ़ी है तेरा रब रसूल। तो अल्लाह रसूल की जानिब तवज्जो कर। हमारी सारी मामलात बंदों के साथ, बंदों के साथ मतलब फलाने को क्या मिल रहा है, फलाना किधर जा रहा है, फलाने के पैसों पे मेरा कितना हक है, फलाना आगे निकल गया, फलां पीछे रह गया, फलाने मोहब्बत से नहीं देखा, फलाने ये कर दिया, साथ छोड़ें। ये तो हर वक्त तो जिक्र आपको अल्लाह का करना था। या अय्युहल्लज़ीना मनुज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीला। ये जो आप हर वक्त बंदे बंदे कर रहे हैं, ये तो आपको हुक्म ही नहीं है, आपने तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करनी थी। तो जो काम करने का था वो छोड़ दिया, जो नहीं करना चाहिए था उस पर बहस शुरू कर दी। फिर दिल के अंदर मद्दोजज़र ख़राब होते हैं, कल्बी वारदात बिगड़ जाती है, हसद पैदा होता है, इंसान को लालच पैदा होता है, इंसान हरीस हो जाता है, इंसान लोगों से अदावतें पाल लेता है। कभी ऐसा काम ना करे। शहद बड़ा मीठा होता है। अरब के अंदर एक दरख्त पाया जाता था, ईलवा उसको कहते थे। इस तरह हमारे यहाँ नीम नहीं होती, कड़वा तरीन उसका जायका होता है, और आप कुछ देर उसको पानी में डाल दें तो पानी भी सारा कड़वा हो जाता है, क्योंकि उसके खमीर में रब करीम ने करवाहट रखी है, और हिकमत है, उस करवाहट का भी अपनी जगह फ़ायदा है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मिसाल बयान फरमाई, और वो बड़ी समझने की है। हुजूर मिसालें देते थे तो कमाल हो जाती थी, बड़े से बड़ा अनपढ़ बंदा भी उसकी रूह तक बात उतर जाती थी। करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर ईलवा दरख्त के कुछ टुकड़े शहद में डाल दिए जाए ना, तो शहद से ज़्यादा मीठी चीज़ कोई नहीं होती। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो ईलवा का दरख्त जो है वो शहद को भी बिगाड़ देता है, उसमें करवाहट पैदा कर देता है, हालांकि वो बड़ा मीठा था, अपनी जगह उसकी मिठास में कोई किसी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन वो ईलवा के दरख्त ने उसे बिगाड़ दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस तरह ईलवा का दरख्त शहद को तबाह कर देता है ना, इस तरह हसद आदमी के ईमान को तबाह कर देता है। ईमान बड़ी मीठी चीज़ है, बड़ी हसीन चीज़ है, लेकिन जब हसद आ गया ना, हसद है क्या? हसद बंदों से नहीं होता, ये समझ लें। हसद का मतलब, असद की लुगवी तारीफ ये है कि ये समझ लेना कि या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था, ये तारीफ है। तो हसद होता किससे? हसद दरअसल बंदे पे नहीं किया जाता, हसद का माना यह है कि आप अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ कर रहे हैं। आपका कहना यह है कि या अल्लाह ये तकसीम ठीक नहीं हुई, माज़ल्ला ये उधर चला गया, ये तो इधर आने वाली चीज़ थी, तो ये आपने डायरेक्ट जो मुकाबला शुरू किया माज़ल्ला, ये तो आपने अल्लाह की तकसीम के साथ शुरू कर दी। तो फिर दिल में बिगाड़ आता है, फिर इंसान टूट फूट का शिकार होता है, फिर वो कमज़ोर पड़ जाता है, फिर वो ऐसी बातें करता है जो उसके मनसब के मुताबिक नहीं होती, कच्ची बात करता है, कमज़ोर बात। अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन सी चीज़ उसने कहाँ रखनी है। रब की हिकमत पर और उसकी दी हुई तौफीक पर राज़ी रहना ईमान का तकाजा है, लेकिन हमें तो चाहिए तकसीम अपनी मर्ज़ी की। उधर क्यों चला गया, इधर आना चाहिए था। भाई आपको ये किसने हक दिया है? मालिक ने जो चाहा, जब चाहा, जहां चाहा अपने फजल से अता फरमाया। हसद, और फिर उसके अगर कोई हसद नहीं करता तो लालच शुरू कर देता है, वो कहता है कि ये जो इसका माल है इसमें मेरा भी हक था, ये तो मुझे मिलना चाहिए था। आप यकीन करें कि बंदे बंदों से कम प्यार करते हैं, जेबों से ज्यादा प्यार करते हैं। उस बंदे को तो कोई नुकसान नहीं जिसके साथ आपने ताल्लुक रखा हुआ है जेब का, लेकिन आप बड़े कमज़ोर हो गए। आप जब लालच कर लिया, नफसानियत में आ गए, तो आप कमज़ोर पड़ गए। आपने मतलब क्या, आपका क्या ख्याल था कि रब की बारगाह से कोई कम मिलने वाला था जो बंदों पर इतनी तवज्जो कर ली? हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत अंदाज है, रब करीम के बंदों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर। क्या सोच थी, क्या नज़रिया था, क्यों ये लोग इतने मजबूत थे? फिक्री तौर पर मजबूत थे, फिक्री तौर पर। हारून रशीद आज करके वापस आ रहा है,
हज़रत बहलोल दाना रास्ते में बैठे हैं, मुलाकात हो गई। कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। फरमाने लगे कोई नहीं, तू जा अपना काम कर, बादशाह है। या किसी को कार्ड मिल जाए तो वो लोगों को दिखाता फिरता है, वजीर साहब ने खुद दिया है। बादशाह वक्त खुद कर, हज़रत कोई हुक्म हो तो। फरमाया नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो कहने लगा हुजूर मैंने सुना है आप मकरूज हैं, तो बता ही देते। तो आप मुस्कुरा के फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है भला। कहने लगे हुजूर किस बाबत। फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि अल्लाह हारून रशीद को देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा, तेरा क्या ख्याल है? रब करीम हारून रशीद को तो देता जाएगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा। बादशाह कहता है कि मैं चकरा गया कि भला इस सवाल का क्या जवाब है। तो मैंने कहा हुजूर रब तो भूलने से पाक है, वो तो किसी को नहीं भूलता, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। तो फरमाने लगे जा फिर अपना काम कर, जब मुनासिब समझेगा तो बहलोल को भी कर्जे से निजात अता कर ही देगा। तू जा अपनी ड्यूटी कर, वो जब चाहेगा ना तो मेरे कर्जे दूर। तू क्या समझता है कि तुझे याद रखेगा मुझे भूल जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ओ यार इधर देख मेरी बात सुन। ओ भाई वो तेरा मेरा रब है, ये हो सकता है कि अमीरों को दे दे और तेरे जैसे मेरे जैसे गरीबों को वो भूल जाए, ये हो सकता है? तो क्यों लोगों की जेबों पे तवज्जो, लोगों की जेबों पे नजरें, फलाने के पास आ गया तो मैं रह गया, मतलब किस किस लिए? हमारा रब किसी को भूलता नहीं है, किसी शख्स को वो मेरा मालिक अपने फजल से नज़रअंदाज नहीं करता, वो सबको नवाजता है। लेकिन उसकी हिकमत के तकाजों का इंतज़ार करना मुसलमान की शान है। कभी किसी हसद में किसी, हाँ कभी करना हो तो रश्क करें, रश्क करें, मज़ा आएगा। और ये रश्क करने का ना, रश्क का माना क्या है? हसद का माना है या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था। और रश्क का माना या अल्लाह तूने दिया है क्या बात है, उसे दिया तो क्या बात। अगर तूने दिया तो मालिक जचा भी है, अगर तूने दिया है तो नजर भी आया है, अगर तूने दिया है तो फिर क्या बात है, कमाल हो गई, वो नजर आ रहा है। और या अल्लाह उसे दिया है तो मैं भी तेरा बंदा हूं, उसे भी और दे और मुझे भी अता फरमा। ये रश्क है, रश्क का ना हुजूर ने हुक्म दिया है, नबी पाक ने रश्क का। हमारा ये मसला है कि हम ना जो करने वाला काम है वो नहीं करते, रश्क करें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बंदों पर रश्क करो, कहो क्या बात, रश्क करो दो बंदों। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक वो मालदार जिसे अल्लाह दौलत दे और वो सुबह भी रब के रस्ते में खैरात करे और शाम भी रब के रस्ते में खैरात करे, ये काबिल रश्क है। कहो तेरी क्या बात है भाई, क्या तुझे अल्लाह ने नवाजा है, और उस पर रश्क करो को या अल्लाह इसे और दे ताकि ये तेरे बंदों पर और एसार करे और तेरे बंदों पर सखावत करे, और अल्लाह इसके तफैल तसद्दुक हमें भी अता फरमा। और हुजूर फरमाते हैं एक मालदार पर जो सुबह शाम सखावत करे और एक उस आलिम पर जिसे अल्लाह कुरान का इल्म दे। वो सुबह भी लोगों को कुरान मजीद के तर्जमे तफसीरें कुरान के दर्स सिखाए और शाम भी लोगों को कुरान मजीद के दर्स अता फरमाए। उस पर रश्क करो, कहो क्या बात है यार तेरी, तुझे अल्लाह ने कितना नवाजा। काबिल रश्क लोगों पर रश्क करो, उनकी तारीफ करो, उनके लिए अच्छे कलिमात अदा करो। माशरे में हसद प्रमोट हुआ है, अगर कभी रश्क प्रमोट होता ना तो इज्जतें बढ़ जाती, मोहब्बतें बढ़ जाती, खुलूस में इजाफा होता, लोग एक दूसरे के करीब आते। हमने किसी फजीलत वाले की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने किसी बड़ाई वाले की बड़ाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने हसद किया, हमने लालच किया, हम हरीस हुए। उसका नुकसान ये हुआ कि लोग एक दूसरे के पास रहते हुए पास नहीं रहते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं लेकिन उनके बारे में रवैये उनके सख्त होते हैं, लबो लहजा तल्ख होता है। जब वो किसी के बारे में बेलाग तबसरा पूछा जाए तो गलत बातें कर, रश्क करें। देखे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, सारी ज़िंदगी दौड़ लगी रही। हज़रत उमर कहते मैंने सारी ज़िंदगी दौड़ लगाई है कि अबू बकर से आगे गुजर गए, लेकिन ये दौड़ हसद वाली नहीं, ये रश्क वाली। फरमाते मेरा दिल करता था कि मैं नेकियों में अबू बकर से आगे गुजर जाऊँ, हुजूर के इश्क में अबू बकर से आगे गुजर जाऊँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत में अबू बकर से आगे गुजर जाऊँ, मैं ना खैर के कामों में आगे गुजरूँ। कहते मेरा सारी ज़िंदगी रश्क का रिश्ता रहा। ये रिश्ता शानदार है, इस पर अमल करें, इस पर तवज्जो करें।
बजाय इसके कि ये कहना कि उस्ताद जी का फलाने से ज्यादा प्यार है, प्यार की वजूहात तलाश कर। मुर्शद फलाने पे नजर रखते हैं तो मेरे भाई वो नोटों की वजह से नजर नहीं रखते, तू वजह तो तलाश करना, वजह क्या है। तो अपने आप को उस तरह का बना, उस तरह की कैफियत पैदा कर अपने अंदर। हम क्या करते हैं कि रश्क करने की बजाय हसद करते हैं। हसद नहीं करें, अपने आप को सवारें, वो रश्क की वजह से आप सवार सकते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका, बड़ी शान है इस खातून की, बड़ी अजमत है उन राहों के सदके जिन रस्तों से सैयदा पाक की सवारियां गुजरा करती। क्या दर्जा अल्लाह ने दिया है सैयदा आयशा सिद्दीका को, कहती हैं हुजूर का विसाल मेरी गोद में हुआ है। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने हुजूर को सबसे ज़्यादा आयशा सिद्दीका से प्यार करते हुए देखा। और आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने हुजूर को सबसे ज़्यादा फातिमा ज़हरा से प्यार करते देखा। ये अलग माहौल है इनका आपस में। तो हजरत आयशा सिद्दीका इतना बड़ा मकाम, लेकिन वो फरमाती हैं मैंने सारी जिंदगी सैयदा खतीजतुल कुबरा पर रश्क किया। मैंने कहा क्या बात थी उस खातून की जो विसाल कर गई, लेकिन शायद को दिन खाली जाता हो कि मदीने वाले उनकी वफाओं का जिक्र ना करते, शायद कोई खाली दिन जाता। कहती है मैंने इतना काबिल रश्क माहौल नहीं देखा। एक दिन हुजूर घर में गोश्त लाए और मुझसे फरमाया आयशा गोश्त पकाओ, तो मैं उसे साफ करने लगी तो हुजूर फरमाने लगे शोरबा ज़रा ज़्यादा करना। तो मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या कुछ मेहमान आएंगे घर में, तो फरमाया नहीं आयशा मदीना मुनव्वरा में ना मुझे पता चला है खतीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियां आई हैं, तो तू शोरबा बना मैं उन्हें पहुंचाऊंगा खतीजा की सहेलियों को, शोरबा ज़्यादा पका ज़रा। तो हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है मैंने बड़े नरम लबो लहजे में बड़ी बना सवार के मुसज्जा मुकफ़ा चुन के जुमले बात की। मैंने अर्ज़ की हुजूर सुना है वो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, निकाह भी पहले हो चुका था, और बताते हैं लोग कि बज़ाहर कोई हुस्न जमाल भी उस माहौल का नहीं था। हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियाँ दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाब खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा, कहती मैं बात कह के खामोश हो गई, और जब मैंने नज़र उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा करती हूँ, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया है, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे, मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ़ देते थे मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जत ही अता फरमाएगा। फरमाया वो मेरी तकलीफ़ों की उसे कैसे, मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे पर, हसद नहीं किया। हम तो ना जी अपनी मर्जी के फैसले करते करते पीछे रह गए, हमने लोगों को पीछे करने का सोचा था लेकिन हम सबसे पीछे रह गए। हमने सियासत और साजिश की थी कि कुछ लोगों के दिलों पे पैर रख के मैं अपना कद ऊंचा करूंगा, कुछ के सीनों पे पैर रख के, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता नहीं। आप किसी की जगह नहीं ले सकते, इसलिए कि रब ने सबकी जगह अपनी अपनी बनाई हुई, सबकी जगह। हाँ ऐसा ज़रूर होता है कि कई दफ़ा ना हम अपने मकाम को गिरा लेते हैं। वो किसी ने कहा था कि ऐसा नहीं कि तेरी जगह कोई और आ गया, लेकिन तेरा मकाम भी अब तेरा नहीं रहा। होता ये है कि हम ना गिरा लेते हैं अपने आप को। अगर हम रश्क का माहौल पैदा करें, रश्क का, और हम कहें कि क्या बात है मैं भी सफ़र करूंगा, इस जानिब जाऊंगा, बजाय ये कहना कि फलां आदमी बड़ा आगे निकल गया है, ये करके निकल गया है, वो करके निकल गया है, ये कहना कि यार मैं भी रब करीम की उस मदद को तलाश करता हूं जिसकी बरकत से अल्लाह ने इस पर फजल फरमाया। इमाम गजाली फरमाते हैं 3 लोगों में हसद ज़्यादा होता है, बूझ ज़्यादा पैदा कर लेते हैं। अब चूँकि मजमून है तो सारी बात खुल के ही करनी पड़ेगी ना। फरमाते हैं 3 लोगों में हसद, बड़े ओहदे वालों में हसद ज़्यादा होता है। यानी सूबाई वज़ीर कहता है कि हक मेरा वैसे वफाकी वज़ीर का था, और वफाकी वज़ीर कहता है कि जितना मेरा तजर्बा है ना मुझे बनाया वज़ीर आज़म ही जाता तो बात ठीक थी। हसद ज़्यादा बड़े ओहदे वालों में हसद, और इमाम गजाली फरमाते हैं मालदारों में हसद ज़्यादा होता है।
गरीब ने गरीब से क्या जलना है, जलने को शाय कोई नहीं, किस से जलेंगे। तो गरीब तो बेचारा चार रोटियां होती हैं तो कहता है चलो ठीक है आ जाओ, दोनों मिल के बैठ जाते हैं। गरीबों के दोस्त भी गरीब, अमीर असद करते हैं, वो सौदे पे सौदा करते हैं, वो एक दूसरे की कमज़ोरियां बयान करते हैं। मैंने गाहकों को नफ़ा लेते देखा है, फलाने से माल लेते थे जी, उसने बड़ा तंग किया तो कहता है इसी तरह का तो मुझसे ख़रीदा कर। लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, वजह बीच में क्या होती है, हसद, अदावत, खराबी होती। और तीसरी बात इमाम गजाली ने शायद मेरे लिए कही है, इमाम गजाली फरमाते हैं उलमा में हसद बड़ा होता है, ओहदेदारों में, मालदारों में और इल्म वाले लोगों में, वो भी अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं मुझे ये लफ्ज़ आते हैं, मेरी काबिलियत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो ये मनसब भी मेरा था, ये काम भी मेरा था, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये तो रब करीम की अता है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि काम लेने पर आए तो मेरे जैसे बेकार आदमी से काम ले ले, ये उसकी अता है। अब हमें करना क्या है, हमें उसकी तकसीम पर राजी रहना है, उसकी तकसीम पर कुर्बान जाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम से सहाबी ने पूछा हुजूर इज्जत क्या है, फरमाया जो रब ने तुझे दिया उस पर राजी हो जा, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। कनात कर, जो अल्लाह ने तुझे दिया उस पर कनात कर, अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा। हुजूर जिल्लत क्या है, फरमाया लोगों से लालच ना रखना, तू जलील हो जाएगा, लालच ना कर। तेज़ी के साथ प्रमोट होती हैं चीज़ें, हमें साजिश करनी आती है, हमारा ख्याल होता है कि मैंने दूसरों के पैसों पे कारोबार करना है, हमारा ख्याल होता है कि पार्टी डाल के रोटी खानी है, हमारा ख्याल होता है कि किसी बंदे को किस तरह इस्तेमाल करना है। याद रख लेना, कभी बात ना भूलना, जो लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है वो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल होता रहता है, जो किसी शख्स को किसी मकाम पर रुसवा करना चाहता है अपनी इज्जत बचा नहीं पाता। जो आदमी लोगों को हकीर जानता है अल्लाह उसे कभी इज्जतें अता नहीं करता, वो गढ़ों के अंदर गिरता चला जाता है। याद रखें, जो इज्जतें देनी शुरू कर दे रब उसे बाइज्जत बना देता है, जो प्यार करना शुरू कर दे मुआशरे में लोग उससे प्यार करने लग जाते। जो किसी, देखें अगर हम वहां से मांगे जहां से सबको मिलता है तो फिर बंदों पर इतनी नजर रखने की जरूरत बाकी रहती नहीं है। उधर देखें, रश्क करेंगे तो लालच से भी बचेंगे, हसद से भी बचेंगे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम हुजूर की बारगाह में हाजिर थे तो कुछ गरीब गरीब लोग हाजिर हुए, गोराबा। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गुजारिश करने आए। हुजूर ने फरमाया, कहो या रसूल अल्लाह, अमीर तो हमसे आगे निकल गए। हुजूर ने फरमाया, किस बात में? अर्ज़ की, हुजूर नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, इतने नफल वो पढ़ते हैं उतने हम भी पढ़ लेंगे। सही बताना सही, आजकल ये नमाजों का मुकाबला भी है कि नफल मैंने ज़्यादा पढ़ने, इबादत मैंने। हमारे असब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आस्थानों पे गद्दी नशीनों का तो रौला होता है, अल्लाह अल्लाह करने का रौला नहीं होता। ये तो शोर होता है कि सज्जादा मैं हूँ सज्जादा, और सब ने कोई ना कोई कहानी सुनाई होती, कहते नहीं अब्बा जी मुझे कह गए थे कान में, दूसरा कहते नहीं नहीं मुझे लिख के दे गए थे, तीसरा कहते तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम थे ही नहीं उम्रे पे, तो मेरे साथ गए थे, जो मेरे साथ उनका मुआहदा हुआ वो खाना काबा में हुआ है, लिहाजा मेरा पहला नंबर है। सब के पास कोई ना कोई मामला होता है, ये सारे काम कोई ज़रूरी नहीं। ज़रूरी क्या है कि वो जो कहते थे करो, जिसने सबसे ज़्यादा करके दिखाया है वो ज़्यादा जानशीन है, वो ज़्यादा जानशीन है जिसने ज़्यादा करके दिखाया। मामला तो ये है कि उस रस्ते पर किस किसने चलना है। लोग तो सज्जादा नशीनी से भागा करते थे, भागते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो हज़रत उमर खलीफा बने, तीसरा दिन तक खलीफा बने हुए, दो तीन छोटी छोटी बच्चियाँ आ गईं, चाचा जान आप खलीफा बने? फरमाया हाँ। चलो फिर असर के बाद अबू बकर हमारे घर जाते थे, फरमाया पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हम यतीम हैं, हमारा भाई कोई नहीं। अबू बकर रोज़ असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा तीन दिन हो गए, मेरी अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, आप चलेंगे? तो जनाब सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने दस्तार सर पे रखी और पटका मैंने अपने कंधे पे रखा, बेटियां आगे आगे मैं पीछे पीछे रोते जा। एक सहाबी ने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? कहने लगे यार जी अबू बकर कितना मुश्किल रास्ता दे के गया, कितना मुश्किल रास्ता है इसके तरीके पर चलना, ये लोग तो सज्जादा नशीनी इतना कठिन काम था, लोग भागा करते थे। शौक आ गया,
रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर नाज हाजिर हो के अर्ज़ की, हुजूर अमीर आगे गुजर गए, नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, हम उनसे ज़्यादा पढ़ेंगे, नफलों में नहीं गुजरने देते, ज़्यादा पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम उन्हें ना तिलावत कुरान पाक में नहीं आगे गुजरने देंगे, वो हम ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन हुजूर वो मालदार हैं, ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, सदकात करते हैं, खैर उसका हम क्या करें। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जवाब तो हुजूर ने बाद में देना था, पर जब उनका सवाल ख़त्म हुआ तो मैंने हुजूर का चेहरा नूर देखा तो रसूल पाक का चेहरा खुशी से खिलता हुआ मुझे नज़र आया। गोया ये जो रश्क है ना कि नेकी में आगे गुजरना, ये हुजूर को इतना पसंद आया कि उनके सवाल से ही हुजूर बड़े राजी हुए। करीम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे, मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताता हूँ, तुम वो पढ़ो, अमीर जितनी भी नेकियाँ करेंगे ना, अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब दे देगा, ले लो नुस्खा, ये करो काम। या रसूल अल्लाह बताएं, फरमाए रात को ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अब जितनी भी नेकियां अमीर करेंगे ना, तुम्हारे वजीफे की बरकत से अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब अता कर दे। अब जनाबी अबू हुरैरा कहते, मैंने उनके चेहरे देखे तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जिस तरह किसी बंदे की खोई हुई रकम मिल जाए तो वो राजी नहीं होता, खोई हुई रकम मिल जाए तो बड़ा जैसे कोई उसके हाथ, चलें अपना तर्जुमा कर लेते हैं, कमेटी निकलने पे नहीं बंदा बड़ा राजी होता कि 11 महीने से दे रहा था, 10 महीने से चलो निकल ही आई है, शुक्र है अल्लाह का, बड़ा खुश होता है बंदा, बड़ा राजी होता है। इस तरह उन लोगों के चेहरे खिल उठे, क्या बात है हुजूर, बस अब नहीं हम गुजरने देते। घर चले गए, वजीफे पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ लोग वापिस आए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मुझे चूँकि पुरानी बात याद थी तो मैं दिलचस्पी से उनका आना जाना देखने लगा। वो करीम की बारगाह में आके बैठे तो उनमें से एक शख्स बड़ी परेशानी के साथ कहने लगा, हुजूर बड़ी परेशानी लग गई। फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपने वजीफ़ा बताया था ना, मेरे कुछ पड़ोसी अमीर हैं, वो तो उन्होंने भी सुन लिया है हुजूर, रात मैंने सुना है, वो मालदार बंदा है, सदके खैरात भी बड़े करता है, ग़ुलाम भी बड़े आज़ाद करता है, पर वो भी सोते वक़्त 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ रहा था, वो तो उसने भी सुन लिया हुजूर, वो बात यहाँ से निकली है, जाने कहाँ कहाँ पहुँची है, तो वो भी पढ़ रहा था हुजूर, अब क्या बनेगा। तो कहते हैं उसके सवाल पर भी मेरे हुजूर बड़े ही मुस्कुराए, बाकायदा दहक हो गया हुजूर के, दहक हो गया, सरकार खोल के नहीं मुस्कुराते, लेकिन आज हुजूर इतना मुस्कुराए कि मैंने हुजूर के मुकद्दस दांतों की ज्यारत कर ली, दहक हो गया बाकायदा हुजूर का। हुजूर फरमाने लगे, उन्होंने भी सुन लिया हुजूर, और सुन के पढ़ना भी शुरू कर। अब बात को समझे कि किसी अमीर ने ये नहीं कहा कि ये तो गरीब के लिए वजीफा था। मैं कहता हूं अल्लाह अल्लाह का मिजाज ही नहीं, मिजाज ये कि सियासत कैसे करनी है, चक्कर कैसे चलाना है, कोई कहानी कैसे सुनानी है। उधर उनको मिला, हालांकि बात तो गरीबों से हो रही थी, हुजूर वो तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं, हम क्या करें? तो रसूल करीम ने फरमाया, वो भी पढ़ रहे हैं, हुजूर पढ़ रहे हैं, तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती ही मैं यशा, भाई फिर ये तो अल्लाह का फजल है ना, वो जिसे चाहे अता करे। अब ये हुजूर ने कह दिया तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पलट कर उन लोगों के चेहरे देखे, कुर्बान जाएं, मैंने फिर उनके चेहरों पर इत्मीनान देखा, मैंने सुकून देखा, इसलिए कि वो समझ गए जब रब फजल करे तो फिर फजल के मामले में अल्लाह के बंदे बहस नहीं किए करते, वो मुतमईन होके गए। कहने लगे हुजूर फिर ठीक है, अगर मालिक इस तरह तकसीम कर रहा है तो फिर हम राजी हैं अपने रब करीम की रजा पे। अपनी जिंदगी जब आप, मैं आप बड़ी मोहब्बत से कुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाते हैं, मैं कुरान व सुन्नत के बहुत सारे उनवानात देख के आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूं, अपनी सारी तवज्जो अपने रब रसूल की जानिब मायल करें। जितना आप दाएं बाएं देखेंगे ना, उतना गाड़ी के टकराने का ख़तरा बढ़ जाएगा, वसवसे ज़्यादा आएंगे, उलझ जाएंगे। इतना ज़्यादा दाएं बाएं ना देखें, ये क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाने का ये मामला किस तरह का था, ना ना ना, आप तवज्जो अल्लाह की जानिब रखें। देखें मेरा और मेरे रब का मामला ठीक चल रहा है, अल्लाह रसूल के साथ मेरे मामला ठीक हैं। या तो आप किसी की इसलाह करेंगे, दावत देंगे, या दुआ करेंगे, तनकीद की तो वैसे दीन में इजाज़त नहीं है। आपने या किसी की इसलाह करनी और वो दर्द के साथ करनी, और या किसी के लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह इस बंदे पर रहम फरमाए, इसे बदल दे। तनकीद की और तंज की तो इजाज़त
अपना मामला रब करीम के साथ, हमारी सोचें किस तरह की हैं, हमारे अंदर माहौल किस तरह का है, वो चूंकि दिलों के हाल जानता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तुम्हारी जेबें देखता है ना तुम्हारे चेहरे देखता है, वो तो जब देखता है तुम्हारा दिल देखता है। इसकी कैफियत क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को याद रखिएगा, हाफिज़ मुंज़री ने तरगीब व तरहीब में लिखी है, फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि एक हुज़ूर के एक ग़ुलाम एक सहाबी बीमार थे, तो हुज़ूर ने फरमाया अनस चलो तीमारदारी करते हैं। कहते हैं हुज़ूर के साथ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, जब हमने उस शख्स को देखा तो हज़रत अनस कहते हैं हम परेशान हो गए, चूँकि हमने उसे बड़ा सेहतमंद देखा, तब वो कमज़ोर हो गया, वजूद पर बहुत सारा गोश्त देखा था, अब हम देख रहे हैं कि वो हड्डियाँ ही हड्डियाँ रह गई हैं, चेहरा बड़ा बारौनक था, अब कमज़ोरी हो गई। रसूल करीम तशरीफ़ ले गए और हुजूर उसकी चारपाई के सरहाने बैठे, और जब हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक उसके बालों में रखा और नबी पाक ने दस्ते शफकत फेरा, तो कहते हैं उस शख्स ने आँखें खोली और हुजूर का चेहरा देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही, बड़ा राज़ी हुआ, बड़ा राज़ी। और हुजूर ने उसके लिए दुआ की, उस दुआ पर भी उसे बड़ा इत्मीनान कल भी नसीब हुआ। कहते हैं हुजूर अक्सर तीमारदारी फरमाते थे, पर आज ना हुजूर ने एक निराली अनोखी और इनफिरादी बात इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया तू बड़ा सेहतमंद था कमज़ोर हो गया, बड़ा ताकतवर था तू ज़यीफ़ हो गया, एक सवाल का जवाब तो दे या रसूलल्लाह। फरमाइए तो हुजूर फरमाने लगे, इस हालत में जब तू शदीद बीमार और तकलीफ़ में, ये बता कि इस वक्त तेरा अपने रब के बारे में गुमान क्या है। रतनस कहते हैं पहले हुजूर बीमारों से ये सवाल नहीं पूछते थे, आज पूछा, क्योंकि सेहत में लोगों की ज़ुबान पे शुक्र होता है और बीमारी में शिकवे होते हैं, माज अल्लाह। इस वक्त अल्लाह के बारे में ये सोच हुजूर ने हमें दी है, तुमने हर वक्त ये जहन बनाना है कि यहाँ रब करीम के बारे में क्या तसव्वुरात पल रहे हैं, आवाज़ें क्या उठ रही हैं, इस वक्त तेरा अल्लाह के बारे में गुमान क्या है। जनाब अनस बिन मालिक कहते उसने हमें इशारा किया कि मुझे उठा के बिठाओ, हमने बिठाया तो कहते हैं फिर उसने अपनी आंखें खोली और हुजूर के चेहरे नूर पर नज़र करके नज़र झुका ली, अर्ज़ करता या रसूल अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, तकलीफ़ में हूँ, उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, पर हुजूर अभी भी मेरे दिल से आवाज़ यही निकलती है कि मेरा रब बड़ा ही करीम है, मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है, वो बड़ा ही माफ़ करने वाला है, वो अपने बंदों से प्यार ही बड़ा करता है। आप मेरी बात को समझें, कैफियत क्या है और अल्फाज क्या है। हुजूर वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़े प्यार वाला है। ये लफ्ज़ कहते कहते आवाज़ भरा गई, आंसू निकल आए, फिर उसने तकलीफ़ ज़्यादा महसूस की तो वो लेट गया और फिर उसने हुजूर के चेहरे नूर पर नज़र डाली, कलमा पड़ा, रूह ही परवाज़ कर गई। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम उसके घर से निकले और जब हुजूर उसके कमरे से बाहर आए तो रसूल करीम ने पलट कर रुक कर फिर पीछे देखा और फरमाया अंस अगर किसी जन्नती की ज्यारत करनी है तो मेरे इस गुलाम का चेहरा देख लो। इसलिए कि जिन लोगों के नज़रियात रब करीम के बारे में इस तरह के हों फिर उनके खात्मे खैर के होते हैं, फिर अल्लाह उनके लिए जन्नत के फैसले फरमाता है। अपने अफकार में, नज़रियात में, सोचों में कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को दो लफ्ज़ कह के मुतमिन कर लें तो हम खुद ज़मीर के कैदी बन के ज़िंदगी गुजार दें, ये मामला ठीक नहीं, ये सही नहीं चलता। आप अपनी कल्बी वारदात पर, कल्बी ख्यालात और तसव्वुरात पर कड़ी निगरानी रखेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ ये मुझे ख़राबी की तरफ लेकर के जा रहा है, कहाँ ये बदगुमानियाँ पैदा कर रहा है, कहाँ ये ख़राबियाँ ला रहा है, ये सख्ती पैदा कर देगा, नफ़रतों को, लालच को, हसद को, अदावत को ये बढ़ा देगा। आप अपने मामलात पर अपने दिल को हमेशा हाजिर रखें, अल्लाह अपने महबूब का सदका फजल करे, वो मुकल्लिबुल कुलूब है तो वो हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर दे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काफिर इसी पिच हो गया फिर तस्बीह मुसल्ला की करना, असा जाहिर रब मन आए बातन दा अल्लाह की करना, असा जाहिर रब मन आए
बातन दायल की करना।